हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। करंट जीके की क्लासेज सुबह लाइव होती है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, और आस्थान जीके की क्लासेज शाम को लाइव होती है। आराम से आप देख सकते हैं, प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। हम उसमें सिर्फ इतना रखते हैं कि प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसा कि एक इको फ्रेंडली एनवायरमेंट होता है, उस तरीके से आपको बताना होता है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से सारी चीज़ें याद आपको हो जाती है। बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आप भी कर सकते हैं। रात को समय है 8:30 बजे और सुबह है 7 बजे के करीबन। शुरू करता हूं जनरल साइंस का ये आज का लेक्चर। पहला प्रश्न है, द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान को क्या कहा जाता है। दोस्तों, द्रव्य के दोहरे, अब द्रव्य यहाँ ये मत समझ लेना कि ये द्रव्य यानी द्रव, द्रव्य यानी होता है पदार्थ, ये जो पिंड होता है ना आपका, इसे द्रव्य कहते हैं, समझ गए। कई बार क्या है, लड़के पूछने लग जाते हैं, सर आप द्रव्य को कैसे बता दिए। अब ये पिंड की एक बात बताता हूँ मैं आपको, इस पिंड को आप ऐसे देखेंगे, ये ऐसे देखा तो ये पिंड है, और अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, ऐसे ऐसे, एक मिनट में दोबारा बना देता हूँ इसको, ये पिंड है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो है कण, क्या है, कण है ये, ठीक है। अब इसको आप ऐसे देखेंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो है तो ये कण ही, लेकिन क्या दिख रही है आपको, दिस इज कॉल्ड वेव, तरंग है ये। तो एक कण जो होता है, जब उसको फेंका जाता है, किधर भी दिशा में गति कराई जाती है त्रिविम अंतरिक्ष में, तो वो किसकी तरह व्यवहार करता है, वो व्यवहार करता है आपका किसकी तरह, वो व्यवहार करता है आपका तरंग की तरह। तो जो कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है, उसे चीज को अपन क्या कहते हैं, क्वांटम यांत्रिकी, यानी कि दो तरह से व्यवहार करता है कण, तो उसे क्वांटम यांत्रिकी के अंदर पढ़ते हैं हम। पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया मैंने। और ये सिद्धांत किसने दिया था, ये सिद्धांत का प्रश्न बनता है, डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, सन 1925 में जॉर्ज उहलैंड बैंक और सैमुअल्स गाउटमिस्ट ने एक चौथी क्वांटम संख्या उपस्थित प्रतिपादित की, जो कहलाती है दोस्तों इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या, वो होती है वो चौथी क्वांटम संख्या उन्होंने स्थापित की थी। ये नाम आपको ध्यान रखना है, बहुत कठिन है, बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, तो आप इनको लिख लीजिए, चिपका लीजिए, बार बार पढ़िए, याद हो जाएंगे। किसी बिंदु पर तरंग फलन का वर्ग उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व की प्रतिक्रिया को दर्शाता है, ये किसने कहा था। दोस्तों मैक्स बोर ने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, किसी का तरंग दे रहे लैम्बडा, इसको स्क्वायर करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है उसके बराबर वो होगा, इस डेंसिटी की क्या होगी, प्रायिकता। तो ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था। अगला प्रश्न है, नोडल सतह या नोड क्या होता है। दोस्तों प्रायिकता घनत्व जहां शून्य हो जाए उसे नोडल सतह या नोड कहते हैं, समझ गए आप बात। विभिन्न परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन किस नियम के अनुसार भरे जाते हैं। दोस्तों परमाणुओं के कक्षक ऐसे प्रकार के होते हैं, 1s2 2sd sp2, उस प्रकार से अब तक जाते हैं। तो इनमें एक नियम आता है आप बाहु, क्या नियम आता है आप बाहु, आप भी बोलो एक बार आप बाहु, कमेंट भी करो, आपको याद हो जाएगा, कमेंट में सब लिखेंगे आप बाहु, जिसने ये वीडियो देखा फायदा आपको मिलना चाहिए। वर्नर हाइजेनबर्ग ने किस विश्वविद्यालय से भौतिक में पीएचडी की थी। दोस्तों उस विद्यालय का नाम है, विश्वविद्यालय ये था, यूनिवर्सिटी है म्यूनिक, म्यूनिक विद्यालय, विश्वविद्यालय, ठीक। किसने बताया कि प्रकाश तरंगे दोलायमान विद्युत तथा चुंबकीय व्यवहार के संबंधित होती है, ये बताया था दोस्तों मिलिकन ने, फेराडे ने जो दिया था, फेराडे ने तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था। वर्नर हाइजेनबर्ग को दूसरे विश्व युद्ध के बाद किस स्थान पर निदेशक बनाया गया, यानी किस संस्थान में निदेशक बनाया गया। तो दोस्तों भौतिक के मैक्स प्लांक सिद्धांत पर बनाया गया था, ध्यान रखना है नाम आपको। किस यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होता है। दोस्तों ये विचार रखा था, किसने रखा था, या उदाहरण किसने दी थी, मतलब तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदा स्वयं रहता है, यानी कि किसी यौगिक में, जैसे मान लो मैं मान लेता हूँ NaCl, ठीक है। अब इसमें एक तो ये है NaCl, अब इनका जितना द्रव्यमान है उनका अनुपात सेम रहेगा, जैसे इसका 4 किलो है, इसका 2 किलो, वैसे इतना होता नहीं है, बहुत कम होता है, तो इनका जो अनुपात होगा वो हमेशा सेम रहता है, इनके द्रव्यमानों का अनुपात, ये कहा था जोसेफ प्राउस्टर ने। रसायन विज्ञान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सन 1860 में हुआ था, 1960 में नहीं हुआ था, यहाँ पे मेरे से भी गलती हो गई। अगला प्रश्न है, मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान, यानी कि ये से होता है आपका,
इसको काउंट करते हैं अपने पीपीएम में, पीपीएम ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी इतने सारे एक मिलियन है पार्ट्स होते हैं एक, इसमें द्रव्यमान अपन नापते हैं। तो इस द्रव्यमान, इस बॉक्स के अंदर एक मोल माना जाता है इसको, और इसके अंदर जितने भी द्रव्यमान हैं, जितने भी कण हैं, जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं, उनके पदार्थ के द्रव्यमान हैं, उन्हीं को ही मोल द्रव्यमान कहा जाता है। स्टोइकियोमेट्री शब्द किन दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना है? दोस्तों स्टोइकियोमेट्री शब्द बेसिकली ग्रीक शब्द है, और ज़्यादातर ग्रीक के ही शब्द अपन इसमें देखते हैं, ग्रीक और लैटिन आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार संतुलित समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, बिल्कुल सही बात है। परमाणु शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ? दोस्तों ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है परमाणु शब्द, लैटिन से नहीं हुआ है। एटोमियो शब्द का क्या अर्थ है? न काटे जाने वाला, एटोमियो मतलब होता है जिसको काट नहीं सकते, यानी जिसको ना काट सके वो क्या होता है, परमाणु, इसी बात है ना, लेकिन बाद में उसको काटा तो उसमें क्या आया, प्रोटोन आए, न्यूट्रॉन आए, है ना, तो ये सब चीजें बाद में हुई। सर्वप्रथम किसने वैज्ञानिक आधार पर एक द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था? दोस्तों जॉन डाल्टन ने किया था, फिर उसके बाद नील्स बोर आए। नील्स बोर क्या थे, एक प्रकार के चोर वैज्ञानिक थे ये, इन्होंने सबके फॉर्मूले चोरी कर करके अपने फॉर्मूले दे दिए। आवर्ती का एसआई मात्रक किसके नाम पर है? दोस्तों हेनरिक हर्ट्ज के नाम पर आवर्ती का एसआई मात्रक है। अभी कल मैं कंप्यूटर की क्लासेस ले रहा था तो उसमें एक प्रश्न भी आया था कि सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है, तो बहुत से लड़कों को मैंने बताया कि हर्ट्ज में मापी जाती है, तो उनके समझ में नहीं आया सर हर्ट्ज में कैसे नापेंगे। दोस्तों सीपीयू के अंदर क्या होती है, आपकी जो है एन रिंग होती है, उसमें कितनी बार वो चीज़ें जो है कितनी स्पीड से राउंड करती है, तभी तो आपकी गति समझ में आ गई, मैग्नेटिक टाइप ही तो होती है उस प्रकार से, तो वो चक्कर काटती है उस प्रकार से, सारे साइकिल्स में काउंट होता है, तो वो होता है हर्ट्ज में। कृष्णिका किसे कहते हैं? दोस्तों कृष्णिका जो होते हैं पिंड जो आवर्तित विकरणों को अवशोषित व उत्सर्जित करते हैं उसे कृष्णिका कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से ज्वाला निकलेगी, स्वच्छ ज्वाला निकलती है, हाइड्रोकार्बन जब जलता है तो स्वच्छ ज्वाला इससे निकलती है। असंतृप्त कार्बन यौगिकों से ज्वाला निकलेगी, दोस्तों असंतृप्त कार्बन यौगिकों से काली ज्वाला निकलती है, जैसे आप CO2 को जलाते हैं तो काली काला धुएं तो निकलता है, तो वैसे ज्वाला निकलती है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपके लिए डाउनलोड का बटन दे रखा है, यहाँ से पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और इनके लाइव क्लासेज आप लेते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see.